लेकिन हमारे दिमाग में है, क्योंकि पुलिस को जो हमारे महिला के ऊपर पुलिस ने जो लाठी मारा, हम उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। हमारी शक्ति है, लोग कहते हैं हाथी जो एलिफेंट है ना, हाथी वो अपना शक्ति नहीं पहचानता, कितना ताकतवर है। लेकिन आज इस लाल झंडा ने हमें सिखा दिया है कि एक गरीब औरत की शक्ति कितनी है, एक गरीब औरत की ताकत कितनी है, और उस ताकत को लेकर ये लाल झंडा आपके हाउसिंग के अधिकार के लिए, आपकी लाइफ और डिग्निटी के अधिकार के लिए, बड़े कॉर्पोरेट्स की मदद के लिए है। मेरे प्रिय साथियों, आप सोचो, एक दिन में, इन वन डे, एक बड़ा पूंजीपति 1216 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं सकते, 1216 करोड़ रुपया
एक दिन में मुनाफा है। और ये मोदी सरकार की राज, एक दलित औरत जो ट्राइबल औरत, एक गरीब और सुबह से रात काम करेगी, उसको 250 रुपीस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक सवाल है। सोदरे सोदरी मंडला, मुश्किल से जब लोग घर बनाते हैं, सुबह से रात काम करके एक विधवा औरत, एक अकेली परिवार चलाने वाली, खून पसीना बराबर करके एक झुग्गी बनाती है, या कहीं छोटा सा मकान बनाते हैं, ये बीजेपी सरकार, ये डबल इंजन का सरकार, उत्तर प्रदेश में मंत्री योगी आदित्यनाथ कहता है अभी मेरा बुलडोजर राज है। किस श्री केसीआर कहते हैं हम बीजेपी के खिलाफ है, हमारे पार्टी ने स्वागत किया, हमने कहा अगर आप बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर लड़ेंगे हम आपका साथ देंगे उस लड़ाई में, कि हम बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बुलडोजर अगर गरीबों के झुग्गियों पर तेलंगाना में चलेगा तो केसीआर साहब ये लाल झंडा उसके खिलाफ खड़े होकर लड़ेंगे। केरला एक बहुत छोटा प्रदेश है, ज्यादा जमीन नहीं है केरल में, ज्यादा साधन नहीं है केरल में, केरल में ये येरा झंडा की लीडरशिप पे सरकार चल रही है। केरला हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज केरल सरकार 5 लाख नहीं 8 लाख से ऊपर रुपया खर्च करके गरीबों के लिए, बेघरों के लिए कर दे रहे हैं। केरला प्रभुत्व, केरल के अंदर आदिवासियों की जमीन का अधिकार देने के लिए सरकार पट्टा दे रही है। केरल में कोई बुलडोजर किसी गरीब के ऊपर नहीं चल सकता है, क्योंकि केरल के अंदर लाल झंडे की सरकार है। केरल मेरे प्रिय साथियों, बीजेपी